इसराइल के हमले के बाद ईरान में हड़कंप मचा है। इसराइल के पलटवार के बाद से ईरान के सैन्य अधिकारी सदमे में हैं, क्योंकि ना तो ईरान की सेना इसराइल के लड़ाकू विमानों को रोक पाई, ना ही उन फाइटर जेट से उगलते आग के शोलों को बुझा पाई। ईरान पर हमले का पुख्ता प्लान, ईरान में 3 घंटे बारूदी बारिश, बदले की आग में तमतमाई इसराइल की सेना ने ईरान पर पलटवार करने के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया था। अल जजीरा के दावे के मुताबिक इजरायली विमानों ने ईरान पर हमले के लिए जॉर्डन और इराक के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया, साथ ही सीरिया के स्वीदा में सैन्य रडार पर हमला करके वहां ईरान के सर्विलांस सिस्टम को तबाह कर दिया, जिससे ईरान तक कोई मैसेज न पहुंचे। इस दौरान इसराइल ने अपने घातक विमान F-35, F-16 समेत 100 लड़ाकू विमान ईरान की सीमा के पास भेजे। इसराइल के इस प्लान की एक तस्वीर भी सामने आई है। दावे के मुताबिक ये तस्वीरें तब की है जब इसराइल का सबसे घातक लड़ाकू विमान जॉर्डन के एयर स्पेस से इराक होते हुए ईरान की तरफ जा रहा था। फिर अपने मिशन को पूरा कर सुरक्षित इसी रास्ते वापस इसराइल लौट आया। ऐसे में इसराइल के लड़ाकू विमानों को ईरान रोक पाने में नाकाम रहा, क्योंकि जंग में जॉर्डन इसराइल के साथ है। इसलिए ईरान की प्लानिंग इराक में उन लड़ाकू विमानों को रोकने की थी, लेकिन दावे के मुताबिक इसराइल के फाइटर जेट जॉर्डन और इराक के एयर स्पेस में बहुत कम ऊंचाई से उड़ रहे थे। इसलिए ईरान की रडार में आने से बच गए। ईरान पर इसराइल का यह हमला अचानक नहीं हुआ। खामनेई की सेना को इस जंग की सूचना पहले ही दी जा चुकी थी। स्काई न्यूज अरेबिया के सूत्रों के मुताबिक रूस ने इसराइल के हमले की शुरुआत से कुछ घंटे पहले ईरान को इसराइल और अमेरिका के ऑपरेशन के बारे में खुफिया जानकारी दी थी, जिससे ईरान पहले ही अलर्ट हो गया था। यह भी दावा किया गया था कि इसराइली विमानों ने ईरान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया और बाहर से ही हमले को अंजाम दिया। उधर ईरान पर इसराइल के पलटवार की प्लानिंग कुछ रोज पहले यानी 19 अक्टूबर की थी, लेकिन हमले से 3 रोज पहले अमेरिका से इसराइल के खुफिया दस्तावेज लीक हो गए थे। जिससे हमला टल कर 24 दिन बाद हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट्स, न्यूज़ 18।